प्रेरणा कथा। वो एक दिन, इतवार के दिन मैं पूरा समय घर पर ही बिताया करता हूँ। उस इतवार की सुबह ही मुझे फ़ोन उठाता ही दिखा कि मेरे बॉस ने मुझे फ़ोन किया था। मैंने तुरंत ही अपने बॉस को फ़ोन किया। उन्होंने फ़ोन पर ही चिल्लाना शुरू कर दिया, मेरी फ़ाइल कहाँ है? मैंने तुमको कल ही कहा था मेरी फ़ाइल जल्दी से वापस लेकर आओ। मुझे तो चक्कर ही आने लगे। मैंने वास्तव में ही उनको वो फाइल उस दिन देने को कहा था। वो फाइल मेरे साथ ही मेरे बैग में मेरे घर पर आ गई थी। बॉस ने फ़ोन पर कहा, 10:30 बजे मीटिंग शुरू होगी, अगर तुम आज समय से पहले उस फाइल को मेरे पास लाने में सफल नहीं हुए तो तुम्हारी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी, समझे तुम? मैं बहुत घबरा गया। मैंने जल्दी से अपने कपड़े पहने और बाल बनाकर थोड़ी सी कोलोन लगाकर बैग उठाकर घर से बाहर निकल गया। सिर्फ 20 मिनट बचे थे, मैं जल्दी से एक बस में बैठ गया। भीड़ में मुझे बैठने के लिए एक सीट मिल गई। तभी अचानक बस के ड्राइवर ने कहा कि उसकी बस की चाबियां नहीं मिल गई थी। मैं बस से उतरकर दौड़कर ही दफ्तर जाने की योजना बना रहा था कि तभी चाबी मिल गई। ड्राइवर ने बस स्टार्ट करने की कोशिश की पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ। सबको उतरकर बस को धक्का लगाना पड़ा। आखिर बस चल पड़ी। मैंने बस ड्राइवर से कहा, थोड़ा तेज चलाइए, आज मेरी नौकरी चली जाएगी, मेरे पास सिर्फ 12 मिनट बाकी हैं। कुछ देर के बाद बस फिर से रुक गई, इंजन बंद हो गया था। मैं अब खुद को रोक नहीं सका और बस से उतरकर अपने दफ्तर की तरफ दौड़ने लगा। जैसे ही मैं अपने दफ्तर पहुंचा, मैंने घड़ी देखी तो पाया कि अभी भी 2 मिनट बाकी थे। मैंने सबसे पहले अपने आप को बाहर लगे हुए शीशे में देखा और फिर बॉस के दफ्तर में घुस गया। मैंने अंदर जाते ही कहा, सर मैं फाइल ले आया हूँ। तो फिर खड़े गए हो, दो मुझको वो फाइल। जैसे ही मैंने अपने कंधे को हाथ लगाया, मैंने देखा कि मेरा बैग तो मेरे कंधे से लटक ही नहीं रहा था। मैं अपना बैग बस में ही भूल गया था। मित्रों, हर काम समय पर और हो सके तो समय से पहले ही कर लेना चाहिए। अपने क्षणिक आराम के लिए हमको कभी कभी बहुत अधिक नुकसान भी हो सकता है। सबसे बड़ी बात जो ध्यान रखने वाली है वो है कि अपने दफ्तर के किसी भी काम को अपने घर मत लाओ। अगर आपके पास उसको घर पर लाने का पूरा अधिकार नहीं है तो। बहुत बहुत शुक्रिया।